नमस्कार आबरी ओडिसा को स्वागत करुछि मुजोगमाया संपूर्ण खबर को आसीबा महानदी सुरक्षा पई लढै आजिठु द्वितीय पर्याय महानदी सुरक्षा अभियान आरंभ करिवो बीजेडी उभय झारसुगुडा सुखाखोडा एवं बरगड़ चिखली रे अभियान रो शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एथिपई दुई स्थान रे व्यापक प्रस्तुति करा जायछे सेपड किंतु बीजेडी रो ए अभियान को लोक देखाणिया ओ वोट राजनीति बोली कहिछन्ते विरोधी महानदी आम गंगा एहा अमर मा ओडिशार जीवनरेखा उपर मुंडे छत्तीसगढ़ ब्यारेज निर्माण जो तलमुंडे सुखीगला महानदी पा यार प्रतिवाद रे बुधवार ठार महानदी सुरक्षा अभियान द्वितीय पर्याय आरंभ कर बीजेडी ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा सुखासोड़ अभियान शुभारंभ करते मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गस्त को देखि समस्त प्रस्तुति करतराल भाव यह अभियान बरगड़ जिला अंबाभना ब्लक चिखिली आरंभ हो चिखिली रे ए कार्यक्रम को उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री बुधवार पूर्वाह्न 10:30 रे मुख्यमंत्री चिखिली रे आयोजित होवाकु थिबा सभा रे महानदी महासंग्राम संपर्क रे लोकंकु अवगत कराइबे सुखासोड़ा गाँव रो जोठी महानदी एंट्री करछि छत्तीसगढ़ रु से जगह को जिबे एवं सेठरे सुखासोड़ा ग्रामवासी सहित मध्य आलोचना करिवे अंचल रो जनसाधारण तरफ रु भिन्न भिन्न संघ तरफ दाबी पत्र मानवर मुख्यमंत्री को दिया जीवो एवं सेठु फेरिकी जो मंच देखुं मंच रे मानवर मुख्यमंत्री उद्बोधन देवे 16 तारीख रे मानवर मुख्यमंत्री चिकिली ठारे आसिकी ये आंदोलन शुभारंभ करिवे एवं गोटे मोटरसाइकिल शोभायात्रा आसिकी बरगड़ पंचायत पहुंचिबो एवं बरगड़ गोटे साधारण सभा हेबो सेठी पदप्रांत सभा बीजेडी रो महानदी महासंग्राम को कड़ा समालोचना करिछन्ति विरोधी उभय बीजेपी एवं कांग्रेस कहिछन्ति महानदी सुरक्षा अभियान बीजेडी रो लोक देखाणिया महानदी रे परिस्थिति पई बीजेडी पूर्णतया दायी आंको सरकार रो जल संपद विभाग मुख्यमंत्री हाथ रे थिला बहुत दिन धरिके छत्तीसगढ़ ब्यारेज तैयारी करथिला सेतले से बारंबार कहथिले जे एतरे हमर किछि परवाह नै 100टा ब्यारेज कले भी हमर पर्याप्त तो जल अछि वैराग्य कारण नुहे शिकार कर सामर्थ्य नहीं इंद्रिय दुर्बल होती तेणु लोक आकर्षित करने छलना संपूर्ण भाव ये एक राजनीति एवं ड्रामा एथिरे जदि हिसाब करके जदि दायी क्या कराए ये ओडिशा राज्यर महानदी भली एक पवित्र नदी जहाँ 15टा जिलार लोक पीवा पानी ठूर कृषिकर्म चाष पर्यंत जी सहायता दूसरा महानदी सी जदि आज सुखी जाइए से प्रथम दायी हूँ विजु जनता दल महानदी को नहीं छत्तीसगढ़ दादागिरी संपर्क में लोकं अवगत कराइब शासक दल ओडिशार जीवनधारा को छत्तीसगढ़ जमी सुखाऊ से नहीं सम्मिलित स्वर उठाइब राज्य अभियान अवसर में संबलपुर माँ समलेश्वरी और कटक माँ गड़गड़ेश्वरी पाखे जल आलती झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारिक बरगड़ रंजन देवता और भुवनेश्वर शुभलक्ष्मी बल और मलरंजन महांती न्यूज 18 ओडिया बीजेडी पक्षर होगा महानदी सुरक्षा आंदोलन को समालोचना करिछन्ति विरोधी दल नेता नरसिंह मिश्र दल मत निर्विशेष रे महानदी पाई समस्त एकाठी हेले राज्यर स्वार्थ रक्षा हो पारिबो बोली से कहिछन्ति मु सबबेले अतीत रे भी कहिछि कांग्रेस दल कहिछि आज भी कहुछि ओडिशार स्वार्थ रक्षा करिया पई दल मत निर्विशेष रे आसंतु समस्त एक हबा एकाठी हेकरि जदि आमे लडै करिबा ओडिशार स्वार्थ रक्षा करि पारिबा रे सफल हबा दलय राजनीति स्वार्थ रक्षा करने जदि आम कार्यक्रम नौ ताल ना आम सफल हबु ना राज्यर स्वार्थ सुरक्षा करिवारे सफलता पाइबु तेज संपर्क में अधिक सूचना जाना सीधा सड़क जा झारसुगुड़ा सुखागोड़े अच्छा आम प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक सुरेन्द्र आज जो भाव में महानदी सुरक्षा अभियान द्वितीय पर्याय आरंभ कर बीजेडी तेज कौन तार आभिमुख्य रहा आज कार्यक्रम सब कौन रण दावी उपस्थापन कर सरकार निश्चित भाव बीजेडी दल पक्ष द्वितीय पर्यायर महानदी महासंग्राम महानदी सुरक्षा अभियान नाँ से आज मुख्यमंत्री बिगुल फिंगौंट महानदी एंट्री पॉइंट लखनपुर ब्लक सुखासोड़ा ठारे गोटे पटे राज्य सरकार न्यायिक लड़े जारी रही बेले एवं लोकों पाखक बीजेडी जाऊँगी तेज प्रकृति में बीजेडी लक्ष्य कौन अच्छी महानदी की नहीं एजेंडा कौन अच्छी आम सहित अच्छा राज्य उठा जल सेचन निगम अध्यक्ष अनूप साय आसतु सीधा साल तुम्हें जानवा सर प्रकृति में आज मुख्यमंत्री प्रथम थर निश्चित भाव मानवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक न्याय
आईन को सम्मान एवं ओडिशावासी जो हक पानी जी परिमाण में पाइबा कथा से महानदी हो से बड़कले हो निश्चित भाव देवाप बाध्य कहीं आईन को आम सम्मान एवं से आईन अनुसार आज जो भली भाव आम अग्रगति करूँ स्वतंत्र भाव ट्रिब्युनाल या सबुत्र बड़ कथा है बड़कले को जो संपूर्ण नदी को बांधी दी बांधिदेप से जो सुखी जा शहे पांच क्यूसिक पा से नन मनसुम समय बर्षा जो न हो समय छाड़ कथा से मोटे छाड़ ना जहाद्वारा सुखी जहाद्वारा पीवा पाठ धरिकी जलसेचन प्रभावित होती ग्राउंड वाटर तल पा जो जल उत्स कमी जाकि आम पाइबा कथा जहाँकि सीएजी 2016 तागिद करी भाया छत्तीसगढ़ सरकार करवा कथा नुहे एवं से भाया महानदी में ऊपर मुंडे से जिते बांध बांध आम से कि ना जदि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमको न्याय देवा कथा तल मुंड जो मैंने पाइबा कथा दौना जहाँकि आप देखु बर्तमान जहाँकि जीरो पॉइंट कहा जो कि महानदी मिशी सुखासढ़ लखनपुर ब्लक्र ओडिशा को पहुंची से ही जगह बर्तमान टोटाल पा सुखी जा पूरा आपण देखि बाली दिशुची पीवाप पा ना गोर गाई पीवाप पा ना मनीष पा ना जहाँकि तलर जो पा रहा कथा तार उत्स कमी ट्यूबवेल कमी जाबेल कमी जा उठा निगम जहाँ असुविधा होश आज जहाँ करुले से चाष आज छाड़ दे कि जगार किसी फसल कराद्वारा ये न्याय आमको मिल जो न्याय को विश्वास करते आम मानव मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नौटा सकाल नौटा पर आसीजे एवं से आसला प्रकृतरे जो दूरदृष्टि अच्छी ये ओडिशा पे लड़े नुहे केवल ये हूँ समग्र भारत वर्ष पे ये हूँ सारा विश्व पे जदि पृथ्वी के लोक भी आसो जी पा पीवा पाइब ना ये जी फसल न हो गोरु गाई असुविधा पाए समस्त असुविधा पाए आमर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो दूरदृष्टि आम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ कहीं भाया गोटे छोटिया गाँटे शेष सीमार पहुंचा भलिया कहीं आशा कर जो माने एठी बुढ़ा बुढ़ी समय पर मुख्यमंत्री आसिबे एवं जो सुरक्षा महानदी सुरक्षा अभियान अच्छी तार कार्यक्रम सब आरंभ हे बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र समस्त सूचना सीधा सड़क झारसुगुड़ अधिक सूचना दूसरे प्रतिनिधि परवर्त खबर को आसवा आंध्रप्रदेश गोदावरी नदी में डंगा बुड़ी घटन एवं 23 जन निखोज रही डंगे 40 जन यात्री थी बेले 17 जन को उद्धार कर पूर्व गोदावरी जिलार मोटुर निकट में दुर्घटना एनडीआरएफ पक्ष घटनास्थल उद्धार कार्य जारी रही डंगार स्थिति भल ना नदी में पवन आसवा जो दुर्घटना घटी जमापड़ मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडु और उपमुख्यमंत्री एन चिन्ना राजप्पा उद्धार कार्य स्थानीय प्रशासन सह जोगाजोग कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटना को नहीं उद्वेग प्रकाश करने सहित समस्त निखोजों सुरक्षित उद्धार कामना कर उत्तर प्रदेश वाराणसी निर्माणाधीन पोल भुशुड़ा घटन मृत्यु संख्या 18 को वृद्धि पाई 10 अधिक गुरुतर आहत को मेडिकल भर्ती करा एनडीआरएफ अग्निशम विभाग कर्मचारी और पुलिस उद्धार कार्य लगे पोल तले आहरी अनेक चापी हो रही आशंका घटना को नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुख प्रकाश कर वाराणसी क्यांट रेल स्टेशन निकट में पोल कम चलता बेले हठात ता भूसी पड़ा इस समय पोल तले अनेक गाड़ी चापी हो साठीरु अधिक लोक मध्य दुर्घटनार शिकार होते तेज घटन दुख प्रकाश कर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनार तदंत तीनजिया कमिटी गठन कर मृतकों पर 5 लाख और गुरुतर 2 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री वाराणसी में कैंट के पास एक निर्माणाधीन सेतु का स्लैब गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे पर मैं दुख व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हम लोगों ने इस पूरे मामले के उच्च स्तरीय जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है एपीसी की अध्यक्षता में। इसमें प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग तथा प्रबंध निदेशक जल निगम को इस कमेटी में रखा गया है। 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की तकनीकी जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है
उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। राज्य सरकार की तरफ से मृतक परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता और जो घायल जो वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता के लिए हमने आदेश किया है। स्वागत। विखंडित जनादेश परे कर्णाटक रे नाटकीय परिस्थिति। विधानसभा निर्वाच्चन रे कांग्रेस को क्षमताच्युत करी बड़ दल हेला परे मध्य बीजेपी को सरकार गठन पाई मिले नाही मैजिक नंबर। 8 आसन थारु दूर रे रही जाई छि दल। आ नाटकीय घटनाक्रम रे द्वितीय स्थान रे थिबा कांग्रेस सरकार गठन पाई तृतीय स्थान हासिल करथिबा जेडीएस को समर्थन दैछि। एपरि कि देवेगौड़ांक पुओ कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री हेबा पाई दैछि प्रस्ताव। कांग्रेस रो समर्थन प्रस्ताव ग्रहण करछन्ते कुमार स्वामी। उभय बीजेपी ओ जेडीएस कांग्रेस मेंटो सरकार गठन पाई राज्यपाल ठारे दाबी उपस्थापन करछन्ते। कर्णाटक रे विखंडित जनादेश अधिक आसन पाई बीजेपी बड़ दल बहुमत ठारु दूर रे रहिला गैरिक पार्टी। सरकार पाई जेडीएस कांग्रेस मधुचंद्रिका। कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन रे विखंडित जनादेश आउ नाटकीय परिस्थिति। निर्वाचन रे अधिक आसन पाई बीजेपी कांग्रेस को क्षमताच्युत करिछि सत किंतु सरकार गठन पाई साधारण संख्यागरिष्ठता हासिल करि पारि नाही। दल 104 आसन हासिल करी मैजिक नंबर ठारु 8 आसनरु दूरै रहिछि। आउ राज्यरे नुआ सरकार गठन सह बीजेपी को क्षमतार दूरै रखिबा पई हाथ मिलाइछन्ति द्वितीय स्थान रे थिबा कांग्रेस और तृतीय स्थान हासिल करथिबा जेडीएस। बीजेपी मैजिक नंबर हासिल करि पारिबो नाही बोली स्पष्ट हेला परे चलचंचल होइ उठिथिला कांग्रेस शिविर। जेडीएस सह जोगाजोग आरंभ करथिला कांग्रेस। सरकार गठन पई जेडीएस को समर्थन दिया जाउ बोली घोषणा करथिला कांग्रेस। एपरि कि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हुंतु बोली प्रस्ताव देथिला दल आउ एहाको ग्रहण करथिला जेडीएस। So this has been decided in consultation with both as the leaders are here and our central leadership also is in know of this, Mr. Rahul Gandhi ji, and this has been already discussed with the Devi Goda ji and Kumara Swami ji. And JDS can form the government, we will support. ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜେଡିଏସ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେପି ଶିବିର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା ଦଳର 3 ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଠାଇଥିଲେ। According to constitution, you are allow us to give opportunity to form the government. We will prove the our strength in the assembly that we have given the representation. I think within a day or two he is going to take decision, and we have requested him. You have got 100% confident because in other states where this type of single largest party they allowed to form the government like that, here also they will allow. ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟେଦୁରପ୍ପା କଂଗ୍ରେସର ସୁବିଧାବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ପରେ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଓ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନରେ ଜେଡିଏସ୍ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସିଦ୍ଧରମେୟା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ମତଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା।
ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ପରେ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତି। ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜେଡିଏସ୍ ସହ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଜେଡିଏସ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଜେଡିଏସ୍ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ପରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଦଳ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟେୱାଲା କହିଛନ୍ତି। ଜନତା ଦଳ ସେକୁଲର ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେ ନେତାଓନେ एक संयुक्त पत्र कर्नाटक के सम्माननीय राज्यपाल जी को सरकार के गठन के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत के आंकड़े के कहीं नजदीक नहीं, अब एक षड्यंत्रकारी तरीके से एसआर बोमई केस का हवाला देकर स्वयं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की दुहाई दे रही है। प्रेस के साथियों को और देश को भटकाने का उनका ये एक और तरीका है, क्योंकि देश का संविधान, देश का कानून और नैतिकता के मापदंड बड़े स्पष्ट हैं कि अगर कोई कोएलिशन, चाहे वो पोस्ट पोल कोएलिशन ही हो, उनके पास स्पष्ट बहुमत है तो राज्यपाल के पास संविधान के अनुरूप और कोई चारा नहीं बजाय उस कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने के। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟର ଭୋଟରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କଂଗ୍ରେସର ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। सिर्फ पर सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करें। सारे कांग्रेसियों की बाहें खिल गई कि पूर्ण बहुमत नहीं आया है, पूर्ण बहुमत नहीं आया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी सीटें 182 थी, इससे 122 थी, इससे 77 करने का काम कर्नाटक की जनता ने किया है और आपका घोर पराजय हुआ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପାଖରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର କିନ୍ତୁ ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୌଡ଼ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମପଡ଼ା ଏବଂ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁନାନିମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାଳ ଏବଂ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବୋରିଂ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ତ ବୋରିଂ ଥିଲେ ଫେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି ସବୁ ପାଣିଟା ନି ଦେବାର ଫେର ପାଣି ଆଉଛୁ ଫେ ବୋରିଂ ନୁ ଫେରି କରି ଆଉଛୁ ଆଉ ଜର୍ନୁ ନେଉଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ ଲାଇନ୍ ତ କିଛି ନିନ ଆମର ଗାଁ ଥି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଣି ହେନୁ ସପ୍ଲେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଟା 15 ମିନିଟ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛି ଆଉ ଫେର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନଳକୂଆଁ ରାତ ଆନୁଛି ସେଟା ହେଲେ ସେ ନଳକୂଆଁ ହେଲେ ନସି ଯାଉଛି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଇନେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବୋରିଂ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଇଏ ପାତାଲ ବୋରିଂ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ସବୁ ସୁବିଧା ହେତା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ନାଳ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେନ୍ସର ବେସ୍ଡ ମିନି ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ କରିକି ଦେଇଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ମାଟି ତଳେ ପାଣି ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବଂ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲୁ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟା କରୁନି ତାକୁ ଆମେ ତାଗିଦ କରିବୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅମ୍ବାସୀ ତରଫରୁ ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ହେରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରକୁ ସୋର୍ସ ନେଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟୋଟାଲ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶୋଷିଲା, ଡହ ଡହ ଖରାକୁ ବଳିଯାଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ 6 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 5% ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ  48 ଜଣ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଏବଂ 111 ଜଣ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି 2014 କ୍ରମାଗତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାଲାରାମପୁର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 879 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାମୀ ବାତ୍ୟାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇଁ 22 ବ୍ଲକରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, 122 ଗାଁରେ ଆଲର୍ଟ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 43,25,000 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ଓ ବିଧବାଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜଟଣୀଠାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ଏଥିସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ 11 49ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଚମକପ୍ରଦ ବିଜୟ। କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 2 ଓଭର ବାକି ଥାଇ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 19 ଓଭରରେ 142 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ କୋଲକାତା 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ 11 ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ କିଙ୍ଗ୍ସ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ରାତି 8ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।